हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फेबर कैसल पेंसिल्स के बारे में बताऊंगा, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूं आजकल अपने स्केचेस में। इस सेट में आपको 6 पेंसिल्स मिलती हैं, जो कि डिफरेंट ग्रेड्स की होती हैं, लाइक 2H, HB, B, 2B, 4B एंड 6B, एंड साथ में एक इरेजर एंड शॉर्पनर भी होता है। दिस पेंसिल आर मेड इन इंडोनेशिया एंड नॉट इन, सो कन्फ्यूज मत होना इंडिया वाली पेंसिल्स के साथ, जो कि 40-50 रुपीज़ की आती है आई थिंक, एंड दे आर नॉट ऑफ सच गुड क्वालिटी। सो जैसा मैंने बताया, इसमें एक इरेजर है, डस्ट फ्री इरेजर होता है, काफ़ी अच्छा है, एंड एक शॉर्पनर मिलेगा। अभी मैं आपको इन पेंसिल से वन बाय वन शेड करके दिखा दूंगा कि कौन सी ग्रेड की पेंसिल्स कैसी चलती हैं। सबसे पहले 2H पेंसिल यूज़ करके दिखा देता हूँ। आई विल गो फ्रॉम लाइट टू डार्क, दैट इज 2H, फिर HB, B, 2B, 4B, 6B, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पेंसिल्स इंडिया में 250 से 300 रुपीज़ के बीच मिल जाती हैं, एंड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। बाज़ार में तो ये मिलती नहीं है। अब मैं ब्लेंडिंग करके दिखा देता हूँ इन शेडिंग की। मैं ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है तो टिश्यू पेपर या कॉटन बड भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ब्लेंडिंग स्टम्प का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ब्लेंडिंग करने से काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग मिल जाती है पेंसिल शेडिंग की। वैसे तो इन पेंसिल्स से महंगी पेंसिल्स भी काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, बट आई थिंक 250 या 300 रुपीज़ में ये बेस्ट पेंसिल्स हैं। मेरे पास बिल्कुल चीप वाली पेंसिल्स भी अवेलेबल, जो 5-10 रुपीज़ की एक पेंसिल आती है ये वाली। इससे मैं अभी कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ क्या डिफरेंस आता है। 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड इसे फेबर कैसल की 6B पेंसिल से कंपेयर करके अभी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी डार्क है दूसरी वाली पेंसिल से। ब्लेंडिंग करके भी देख लेते हैं कैसा इफेक्ट आता है दोनों पेंसिल्स पे। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो क्लियरली दिख जाता है सामने ही, ये चीप वाली पेंसिल एंड ये फेबर कैसल पेंसिल से। दोनों सेम ग्रेड की पेंसिल्स थी, सो देख सकते हैं आप कौन सी बेटर। अभी रिसेंटली मैंने सलमान खान का स्केच भी इन्हीं पेंसिल से बनाया था, ये वीडियो आपने देखा ही होगा मेरे चैनल पर। सेम यही पेंसिल्स यूज़ की है मैंने ये वाला स्केच बनाने के लिए। और भी काफ़ी स्केचेस मैंने इस पेंसिल से बनाए हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह का स्केच, ये सुनील ग्रोवर का, ये दीपिका पादुकोण का स्केच, एंड एक सुशांत सिंह राजपूत का स्केच ये वाला, ये सभी इसी पेंसिल से बनाए हैं मैंने। सो अगर आपको अच्छी स्केचिंग करनी है तो आप ये पेंसिल्स एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईजिली मिल जाएंगे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।